Hi, this is Darjeetak, business advisor and marketing trainer from Support 50. My dear friends, आज की जो वीडियो होने वाला है सबसे झांकी और सबसे मतलब वो कुछ डिफरेंट होने वाला है और डिफरेंट क्या होने वाला है अगर आप वीडियो के बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको पता चलेगा डिफरेंट क्या होता है क्योंकि आज मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा, आज मैं रियलिटी के ऊपर बात करूंगा, वही रियलिटी जो कि आप मेरा और सभी का जिंदगी में हरदम होते रहता है। लोग चाहते हैं तो अक्सर बहुत कुछ करने के लिए बट कर नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों होता है इस तरह? क्या आप भी ऐसा कुछ सोचे हैं अक्सर? ये आज मैं ये सोचा हो नहीं रहा, कल मैं ये सोचा हूं बट हो नहीं रहा, हो ना होने का वजह क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है अगर आप चीजें सोच रहे हैं नहीं हो सकता है, नहीं होता है, नहीं होने का रीजन क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात, अगर कोई भी चीजें कोई सोचता है, अगर सोचने से कुछ हो जाएगा तो लोग सोचेंगे ही सोचेंगे, ठीक है? अगर आप सोच लिए आप आज यूएसए जाने वाला है, सोच लिए आप, क्या आप यूएसए जा सकते हैं? आप खुद बताइए, कमेंट में लिख के बताइए, इस तरह बातें आपको और कुछ बताता है तो। आप अगर यूएसए जाने की अगर सोच लिए तो उसके ऊपर आप यूएसए चला जाएंगे, आज चला जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वजह क्या जानते हैं? आप सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आपको उसी के ऊपर यूएसए कैसे जाएंगे उसके ऊपर अगर सोचने के साथ साथ एक्शन लेना भी चाहें तो आप यूएसए जा सकते हैं। इसी तरह अगर यूएस जाने के लिए एक्शन क्या लेना पड़ता है, जैसे यूएसए जाने के लिए पहले आपको आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास यूएस जाने का वीजा होना चाहिए। अगर यूएसए जाने का पासपोर्ट और वीजा नहीं है तो आप जा नहीं सकते। उसके बाद भी आपके पास होना चाहिए यूएसए जाने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसा कैसे आएगा, कहाँ आएगा, वो आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहां से लाएंगे, आप कैसे पैसों को ऑन करेंगे, इसके ऊपर। देखिए दोस्तों, आज मैं लाइफ की पूरा प्रैक्टिकल की बात बताऊंगा, प्रैक्टिकल जो सोच आपके अंदर रोज आता है, जो सोच मेरे अंदर रोज आता है और अब हमारी जो सोच है उसके ऊपर लेकर मैं आज बातें करने वाला हूँ, कि बनी बने बातें बताने वाला नहीं हूं। अगर रियली में आप अपनी जिंदगी में कुछ आगे कर दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज का सेक्शन सबसे लंबा होने वाला है। आज मैं सोच लिया हूं आपको कुछ रियली बातें, प्रैक्टिकल बातें बताने के लिए। प्रैक्टिकल बातें ये है, देखिए दोस्तों, पहली बात, जहां सोच वहां उन्नति है। बाकी सोचने से अगर उन्नति हो जाता होगा तो लोग सोचते ही रहेंगे, इसलिए सोच का मतलब उन्नति नहीं है। सोचने के साथ साथ आप अपनी जो सोच है उसके ऊपर काम कीजिए, एक दिन आएगा आपका उन्नति होते जाएगा, ओके? तो दोस्तों और एक बात है, उन्नति होगा कैसे, आपकी इंक्रीमेंट, आपकी इंप्रूवमेंट होगा कैसे? पहली बात, इंप्रूवमेंट करने के लिए लाइफ में, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो आपके लिए एक स्पेशल टिप्स ये है, आप अपने जो बात को सोच में दिमाग में रखे हैं उसके ऊपर बेहतरीन ढंग से काम कीजिए। बेहतरीन ढंग का मतलब देखिए, उन्नति तब होगा जब अपने काम करेंगे। सोचेंगे तो डेवलप नहीं हो सकता, सोचने के साथ साथ उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बगैर एक्शन में आपका कोई भी काम बनने वाला नहीं है, ओके? ये हो गया आपका पहला। दूसरा दोस्तों, आप काम कैसे करेंगे? देखिए, मान के चलिए आपको दो लाइन मिलता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बार आपको बोला जाएगा आपको एक दीवार तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? आपने तरीका आपके पास है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको दीवार तोड़ना है,
आपके पास उतना मनी पावर नहीं है, उतना मेन पावर नहीं है, फिर भी आपको दीवार तोड़ना है, तो हाथ को लेकर दीवार के अंदर ठोकेंगे, ये क्या सही तरीका है? ये क्या सही तरीका है कि आपका हाथ अगर दीवार में जितना भी बार उसके ऊपर प्रहार हो, दीवार का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए तरीका होना चाहिए, आपके हाथ में एक हथौड़ा होना चाहिए, और वो हथौड़ा बार 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 अगर एक दीवार के ऊपर पड़ता है, ऐसे कुछ दीवार में ही तोड़ नहीं जाता। तो दोस्तों ये होता है तरीका, ये होता है सिस्टम। अगर सिस्टम से कोई भी काम ढंग से किया जा सकता है तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं, ऐसे कोई काम नहीं जो कि आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तरीका वो तरीका जो कि लोग कम से कम आपको देखकर कुछ सीखे, ना कि आपको देखकर कुछ कोई कुछ लोग हंसे। अगर आपको देखकर कुछ लोग सीखेंगे तो आपकी पीठ पीछे लोग आपको वाह वाह करेंगे, अगर देखकर कुछ हंसेंगे तो आपके आगे हंसेंगे, देख यार कितना बेवकूफ आदमी है, कितना क्या बोलते हैं, जैसे अब बोलेंगे भाई उन लोग को तो पता ही नहीं है कि हथौड़ा लेके और पीटो टूट जाएगा आपका जो दीवार होता है टूट जाएगा। तो सोचने के साथ साथ सही तरीके से आपको क्या काम करना पड़ेगा। अगर तरीका गलत है तो रिजल्ट भी आपको गलत ही मिलेगा, तरीका गलत है तो रिजल्ट भी आपको गलत मिलेगा, तरीका सही है तो रिजल्ट आपको सही मिलेगा और जल्दी मिलेगा। आप क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात दोस्तों बताऊंगा, अगर कुछ लोग आज की डेट में काफी सारे लोग बोलते हैं, काफी सारे न्यू बंदे जो आते हैं, आज की न्यू जनरेशन जो होते हैं काफी स्मार्ट होते हैं दिखने में, हकीकत में नहीं है, हकीकत में इसीलिए नहीं है, बुरा मत मानना, काफी सारे लोग मेरे को यहां पर वीडियो में देख रहे हैं। देखिए मान के चलिए आपको कहीं एक नया धन बिजनेस शुरू करने की आप सोचें, कौन सा बिजनेस है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान के चलिए आप अपने एक गांव में, आप गांव में बढ़े हुए हैं, ठीक है, आप अपने बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस, मान के चलिए आपने एक सिंपल सा ड्रेस की शोरूम शुरू करना चाहिए। तो ड्रेस की शोरूम शुरू करने के लिए आपके पास पूंजी भी है, पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, इन्वेस्ट भी कर देते हैं। करने से पहले कुछ लोग सोचते हैं भाई अगर यहां पे इन्वेस्ट करूं तो मैं कितना, क्या मुझे मिल सकता है, मुझे कितना रिटर्न आ सकता है, ये दुकान कितना देर तक चल सकता है, मैं कितना देर तक इसमें कर सकता हूं, ये सारी चीजें सोचने के बाद कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो यार कुछ तो कर लेते हैं, कुछ तो शुरू कर देंगे, आज अभी से कुछ शुरू कर देंगे। अगर अभी से कुछ शुरू करेंगे किसी का सलाह ना लेने ना लेकर तो क्या होगा ना, आपका जो बिजनेस है वो अपग्रेड के वजह डाउनग्रेड में आ जाएगा। सलाह इससे लो, सलाह भी किससे लेना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं, सलाह इससे लो जो कि उसी फील्ड में परफेक्ट है, सलाह इसी से लो जो कि इसी फील्ड में परफेक्ट है। अगर कोई भी इसी फील्ड में परफेक्ट नहीं है उससे सलाह लेंगे तो आपको वो क्या सही सलाह दे सकता है, आपको क्या लगता है उससे आप सही सलाह हासिल करके क्या आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर एक दवाई का दुकान में जाएंगे और उसको पूछेंगे ड्रेस की शोरूम कहाँ चलेगा तो आपको क्या बताएगा, वो बताएगा करके देखो, चल गया तो भेजते नहीं तो व्यस्त है बस, और ये बात होता है। इसीलिए उससे से सलाह लो जो कि रियली में उसमें कुछ काम किया होगा, अगर काम नहीं किया है उससे सलाह ले लेंगे उसके बाद क्या होगा जानते हैं, आपका बिजनेस घाटा होने का चांसेस 100% है। इसी तरह मैं करियर की बातें भी करूंगा दोस्तों, आपके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, मेरा काफी सारे व्यूअर स्टूडेंट्स भी है, काफी सारे लोग कभी कभी मतलब जैसे पढ़ाई छूटने के बाद अटकते हैं, ये नौकरी वो नौकरी वो नौकरी वो नौकरी। देखिए दोस्तों नौकरी करना आपको क्या लगता है बड़ी बात है, नौकरी करना
बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास खुद का टैलेंट है तो आप खुद भी एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, खुद भी एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसीलिए अगर स्टार्टअप शुरू करेंगे तो काम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना देर तक उसको लगातार करते हैं, लगातार करते हैं, लगातार करते हैं, लगातार करते हैं। बार बार आप उसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जिसी के ऊपर आप क्या काम करना चाहते हैं, जिसी को लेकर आपका ड्रीम है उसके ऊपर बार बार फोकस करना पड़ेगा। जिसी को ऊपर लेकर आप बार बार फोकस करेंगे उसी की काम आप बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर फोकस आप कुछ दूसरे जगह में है, आप कुछ कर रहे हैं अलग, तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, और इसके साथ आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप टाइम को बर्बाद ना करते हुए चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, तो ये बात सोच लीजिए, जो काम आपको इंटरेस्टेड है, जो आप रियली में कर सकते हैं, जो काम आप जानते हैं उसके ऊपर काम कीजिए। सक्सेस हर दम मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। फाइन, सक्सेस होता है क्या है आपको क्या लगता है? कमेंट पे लिख के मुझे बताएंगे आपकी ओपिनियन, और मैं बता रहा हूं सक्सेस होता है क्या है। सुनिए और समझिए बात को, सक्सेस होता क्या है? सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस कोई हासिल करने वाला चीजें नहीं है, इट्स ए जर्नी, इट्स ए इंप्रूवमेंट जर्नी। इफ यू वांट्स मोर एंड मोर, दैट इज कॉल्ड यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। इफ यू आर अचीव मोर एंड मोर, दैट इज कॉल्ड यू आर ए इंप्रूवमेंट पर्सन, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप बार बार किसी के बारे में सोचेंगे, बार बार किसी के बारे में काम करेंगे और उसी काम को लेकर आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो वही उसको बोला जाएगा सक्सेस। और सक्सेस होने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान के चले आप एक बिजनेस शुरू किए हैं, कुछ जैसे कोचिंग क्लासेस की बिजनेस शुरू किए हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोचिंग क्लासेस की बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसी महीने में शुरू किए हैं, शुरू शुरू में क्या होता है, रिजल्ट छोटा होता है, शुरुआत का रिजल्ट क्या होता है, छोटा होता है। अगर आप आज शुरू कर लिए तो क्या लगता है आपकी कोचिंग में कितना बंदे आ जाएंगे? आप किसी को बोलेंगे भाई मैं कोचिंग कर रहा हूँ, अगर तेरे पास कुछ बंदे आए तो भेज देना, मैं इसी इसी क्लास में कोचिंग देता हूँ, मैं इसी सब्जेक्ट में कोचिंग देता हूँ आज, ठीक है बताऊंगा बोल के। एक दिन में कम से कम आपका जो आपके पास जो शुरू करेंगे दो चार बंदे साथ शुरू करेंगे। धीरे 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 अपना जो कोचिंग क्लासेस है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात, बंदे को तो सही से गाइड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको कोच करना पड़ेगा उसको। उसके बाद धीरे धीरे आपने प्रचार को बढ़ाना पड़ेगा, आपने आपका खुद का कोचिंग क्लासेस का एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। अगर आप खुद का कोचिंग क्लास का एडवर्टाइजिंग करते धीरे 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 क्या होगा, अपने आप लोग आपके साथ जुड़ते हुए हैं, आपके पास जुड़ते हुए हैं, उसको बोला जाएगा सक्सेस। अगर आपके पास लोग जुड़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास लोग जुड़ रहे हैं मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। इसी तरह दोस्तों, कोई भी काम आपके साथ हो या आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए मतलब आप कुछ एक स्टेप आगे चलाएंगे। पहला तो कदम लेके देखो, पहला कदम आप उठा के देखो, सक्सेस आपकी कदम चुनने लगेगा। सक्सेस इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। सफर ही है, आपको चलना पड़ेगा। आप कितना देर तक चल सकते हैं? अगर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, बिना थके हुए अगर कुछ भी काम करते हैं तो दुनिया के ऐसे कोई काम नहीं जो आप कर नहीं सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको जनरल बात बताऊंगा, बिना थके हुए का मतलब होता है आप सोएंगे नहीं, सोएंगे, आप खाना पीना करेंगे, आप बहुत सारे कुछ करेंगे,
बहुत सारे कुछ करेंगे। इसके करने के बाद भी आप जिस काम की ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, वही काम को बेहतरीन ढंग से करने की प्रयास करेंगे और उसको बोला जाता है सक्सेस बेहतरीन ढंग से। जैसे मैं मेरा खुद का बता रहा हूं आपको फिलहाल के लिए, जब मैंने YouTube वीडियो शुरू किया था तब मेरे पास 3-4 सब्सक्राइबर थे, 5-6 सब्सक्राइबर थे, मेरा खुद का अपना लोग ही थे, 8-10 हुए, 15-20-50-100-200, फिलहाल मेरा सब्सक्राइबर है 350। देखिए मैं करीबन बहुत दिन हो गया मैं शुरू करने की, बाकी बात ये है मैं इसके ऊपर लगातार काम नहीं कर रहा, इसीलिए क्या होता है ना देर होता है। इसीलिए दोस्तों इसी तरह गलती मत करना, मेरी तरह गलती मत करना, क्योंकि आप अगर आप जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं तो रोज उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, आप खुद को ऑप्टिमाइज कीजिए, आपके बिजनेस को ऑप्टिमाइज कीजिए, आप जो भी चीजें करते हैं उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे ऐसा एक दिन आएगा आपके साथ कितने सारे लोग जुड़ गए। इसीलिए सक्सेस इज अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, कोई डेस्टिनेशन नहीं। अगर डेस्टिनेशन मिल जाए तो आप वहां पर थक जाएंगे। आज की डेट में आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, रिलायंस के पास पहला उनका था जो कि कपड़े का, आज उनके पास क्या नहीं है, ऑयल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, आपको रिलायंस की फूड चाहिए, रिलायंस की फूडवेयर चाहिए, रिलायंस की डिजिटल चाहिए, रिलायंस की कोई भी आपको ले लीजिए, काम ले लीजिए, बस उन लोग थके नहीं रुके नहीं, वो आगे निकलते हुए चले गए, चलो आज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। तो उसे आगे बढ़ने के लिए ना कि पीछे घटने के लिए, अगर रियली में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रियली में कुछ आप कर दिखाना चाहते हैं, अपने जिंदगी में कुछ बेहतर और हटके करना चाहते हैं, तो किसी की मत सुनिए, लागे रहिए वही काम पर जो काम आपको कर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कर दिखाना उससे कर दिखाएंगे वही बातें जो बातें आपको अच्छा लगता है, जो काम आपको अच्छा लगता है वही काम कीजिए। और एक बात बताऊंगा आपको, अगर अच्छा लगता है का मतलब ये नहीं है, अगर आपको कोई बात है कोई काम आपको अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरों का उसमें हानि हो नुकसान हो। अगर किसी दूसरों का नुकसान होता है तो आपका सफर लंबा नहीं जाएगा, आपका सफर वही रुक जाएगा जहां वो किसी का नुकसान होता है, वो उसका नुकसान की वजह से आपकी सफर रुक जा सकता है। इसीलिए इसी तरह काम कीजिए जहां पर आप खुद का फायदा हो उसके साथ साथ किसी दूसरों का भी फायदा हो, किसी और का भी फायदा मिले। इतना दोस्तों बातें काफी सारे होंगे, मैं आपको काफी सारी बातें बताऊंगा, अगर रियली में आप सक्सेस पाना चाहते हैं डटे रहिए लगे रहिए तब तक जब तक मंजिल ना मिले। और आप तक वीडियो देखने के लिए सारे चाहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलूंगा दोस्तों, अगर बात अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी वीडियो आपको बेहतर लगा अच्छा लगा तो अभी अभी को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।